हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारी व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? दोस्तों, खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री के नारी सम्मान की चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 9वीं बार लाल किला से राष्ट्र को संबोधित किया। अपने 84 मिनट के भाषण में उन्होंने जनता को खूब प्रवचन दिया, लेकिन कोई उसका अनुसरण नहीं करेगा क्योंकि वो खुद भी अपनी बात पर अमल नहीं करते। उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है, इसलिए लोग मनोरंजन के लिए उनका भाषण तो सुनते हैं परंतु उसको गंभीरता से नहीं लेते। उदाहरण के तौर पर इस बार उन्होंने महिलाओं के सम्मान के प्रति जो कुछ कहा, आप उन्हीं से सुनिए। मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता, ये दर्द मैं कह भी ना नहीं रहता। मैं जानता हूं शायद लाल किले का विषय नहीं होता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूं। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो हाँ कहूंगा, और वो है किसी न किसी कारण हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारी व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है, यह सामर्थ्य मैं देख रहा हूं, और इसलिए मैं इस बात का आग्रह, मेरे प्यारे देशवासी, मैं पांचवीं प्राण शक्ति की बात करता हूं, और वो पांचवी प्राण शक्ति है नागरिक का कर्तव्य। हाँ तो दोस्तों, आपने सुना उन्होंने महिलाओं के बारे में अपने मन की पीड़ा किस तरह से प्रकट की, और फिर इसके बाद नागरिकों के कर्तव्यों का पाठ सुनाया जो हमने आपको नहीं सुनाया। अब देखिए कि खुद उनके प्रदेश गुजरात में भाजपा की सरकार ने महिलाओं का सम्मान कैसे किया। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो का बलात्कार करने वाले 11 दरिंदों को रहा कर दिया, यानी जेल से मुक्ति दे दी। ये न केवल बिल्किस बानो का बल्कि उन चार महिलाओं का भी अपमान है जिनको बलात्कार करके मार दिया गया था, यानी बिल्किस बानो के परिवार के कुल 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसमें 3 साल की एक बच्ची का भी अपमान है जिसकी इन दरिंदों ने हत्या कर दी थी। इस हत्याचार पर सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी क्या कहते हैं, आप खुद उनसे सुनिए और इस वीडियो में देखिए। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके गुजरात में भाजपा की सरकार है और एक महिला को जिसको 11 लोगों ने उसका रेप किया, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की बच्ची, उसकी बेटी को उसके सामने उसकी हत्या कर दी, उसके 4 परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया, ये कौन सा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था एग्जामिन करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था ना कि छोड़ दो? बल्कि अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ते मुंबई ब्लास्ट में जो रुबीना मेमन है, 17 साल से वो भी जेल में है। गुजरात में
वडोदरा सीरियल ब्लास्ट में 18 साल से जेल में है, गोधरा के लोग 19 साल से जेल में है, छोड़िए ना इनको भी आप। जो भी डिसीशन भाजपा लेती है वो एक रिलीजियस समुदाय के हक में हमेशा लेती है और कंप्लीटली बायस होकर लेती है। यकीनन सीआरपीसी में प्रोविजन है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसे हीनियस क्राइम के लिए, और वो भी आजादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल की आजादी, और खुद प्रधानमंत्री का लाल किले से खड़े होकर महिलाओं के बारे में, नारी के उसको पावरफुल करने की बातें करते हैं और ये काम होता है, हम इसका कंडेम करते हैं। और देश देख रहा है कि बीजेपी सिर्फ जबानी तौर पर महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की स्ट्रेंथनिंग की बात करती है, मगर जहां पर बात आती है मुस्लिम महिलाओं की आप भूल जाते हैं उनको। ये आपकी मोहब्बत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान गए होंगे कि मोदी युग में आजादी के अमृत उत्सव पर महिला का सम्मान कैसे किया जाता है। बिल्किस बानो को जिस सामाजिक कार्यकर्ता ने जान हथेली पे रखकर इंसाफ दिलाया, वो तीस्ता सत्तलवाद फिलहाल गुजरात की जेल में बंद है, और जिन लोगों ने ये महापाप किया वो हत्यारे जेल से बाहर हैं। क्या आदर्श गुजरात में महिला का सम्मान इस प्रकार होता है? क्या तीस्ता सत्तलवाद महिला नहीं है? क्या जकिया जाफरी भी महिला नहीं है जिनको न्याय दिलाने के संघर्ष में तीस्ता को जेल जाना पड़ा? ये महिलाओं को डराने के लिए की जाने वाला एक षड्यंत्र है, ताकि वो अपने अधिकारों के लिए मैदान में ना आए और हर प्रकार का अत्याचार चुपचाप सहते रहे। परंतु क्या महिला इन फांसीवादी ताकतों से डर जाएगी? इस प्रश्न का उत्तर अमरजीत कौर के इस भाषण में देखें। देख रहे हैं हम जिसको मर्जी उठा के बंद करते हैं, हर विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं और जेल का रास्ता दिखाते हैं। मैं आज इस पोडियम से मिस्टर मोदी आपको, आपकी आरएसएस को, आपके कोलीग्स को, आपकी आगे दुम हिलाने वालों को, सबको कहना चाहती हूँ, कम्युनिस्ट ना कभी डरा था ना कभी डरेगा। तुम जेल दिखाओ, डंडा दिखाओ, लाठी दिखाओ, गोली दिखाओ, हम नहीं डरते हैं, क्योंकि हमने अंग्रेजों की गोलियां सही है, हमने शहादतें दी हैं, इस मुल्क को आजाद कराया है, और तुम लोगों ने केवल दलाली की है। और कॉमरेड्स और साथियों और जो आम नागरिक आए हो, याद रखो, इस तरीके के फांसीवादी नाजीवादी लोग जब तक सत्ता होती है तब तक अपने को ताकतवर समझते हैं और उस सत्ता का प्रयोग करते हैं। जिस दिन सत्ता से हाथ चली जाती है तो क्या करते हैं, मैं बताती हूँ आपको। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती थी, इमरजेंसी का पीरियड लगा तो बहुत सारी जगह पे धोबी बोलते थे, अरे ये निकरे पड़ी हैं, प्रेस सोने को आई थी, कोई लेके नहीं जा रहा। आरएसएस के लोग अपनी निकर तक नहीं लेने गए, कायर लोग, कि पता ना लग जाए कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग। प्रधानमंत्री की जन्मभूमि गुजरात के अलावा कर्म भूमि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, इसका एक उदाहरण सुमैया फातिमा से सुने, जिनके निष्पाप पिता को बिना कारण जेल भेजकर उनका घर ढा दिया गया। करीब पुलिस आई और हमारे अब्बू को बातचीत के नाम पे लेकर गई, और वो बहुत ही कोऑपरेशन के साथ उनके साथ गए भी बातचीत करने के लिए। 4-5 घंटे बाद, 12:30 बजे के बाद हमें और मेरी अम्मी को भी बातचीत के लिए लेकर जाते हैं, क्योंकि एक परिवार के जब सदस्य लौट नहीं रहे हैं और शहर में इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है, तो वो घबरा कर हम और अम्मी भी गए कि हो सकता है, और हम लोग से झूठ बोल कर लेकर गया गया। हमने पूछा कोतवाली ले जा रहे हैं जहाँ पे अब्बू को लेकर गए हैं, उन्होंने बोला हाँ 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 वहीं लेकर जा रहे हैं, मैडम से बात करनी है। बकायदा जब वहाँ पहुँचे तो पता चला जो हम लोग को लेकर गई थी वही मैडम थी, और हम लोग को लेडीज़ थाना लेकर गई थी सिविल लाइन्स में, कोतवाली भी नहीं लेकर गई। और फिर उसके बाद हमसे पहले तो हम लोग के नाम वाम पूछे, अब्बू किस तरह की घर में बातें करा करते थे, कैसे पोस्ट करते थे, ये सब पूछा। हम लोग से हमारे परिवार के बारे में जानने की कोशिश करने लगे वो लोग, कि घर में कौन कौन रहता है, कितने सदस्य हैं, कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस क्या है,
खाना कौन सा लगता है। आप लोगों से सिर्फ पूछताछ हुई उसके बाद आपको छोड़ दिया गया? नहीं, रात के वक्त हमारे पास वो आई, उन्होंने हमारे फ़ोन तो हमारे पास थे नहीं, उन्होंने बोला कि ये लें फ़ोन लें और घर में कॉल करें, और फ़ोन भी नहीं दिया, अपने फ़ोन से कॉल करा, कहा कि लो फ़ोन लो, दो मिनट की बात करनी है, घर में बोलो घर खाली कर दिया जाए। घर खाली करने के लिए कॉल करा, दो मिनट जितनी भी अम्मी बोल सकती थी फ़ौरन फ़ोन भी ले लिया गया, और फिर उसके बाद कह रही कि घर खाली नहीं हो रहा है, हम लोग को डांटने लगी, तुम लोग घर क्यों नहीं खाली करवा रहे हो। हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे, हम लोग के पास फ़ोन नहीं था, हम लोग कैसे। बर्ताव आप लोग आपकी तरफ और आपकी अम्मी की तरफ कैसा था? पहले तो सही था, लेकिन फिर उसके बाद जो एक एक करके उसी दिन जिस घर खाली करने की बात होने लगी, तो उस वक्त एक एक करके सारी कांस्टेबल्स फीमेल कांस्टेबल्स आईं, हम लोग को अजीब अजीब तरीके की बातें थ्रेट करने लगी, हरास करने लगी। उसके बाद एक मेल कांस्टेबल आते हैं, हमारी अम्मी को गाली तक देते हैं हिंदी में, और फिर उसके बाद हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे, हम लोग को समझ में नहीं आ पा रहा था क्या हो रहा है। सवेरे 8:30 बजे करीब हमें हमारे रिश्तेदार के घर छोड़ा, हमको ये बोल कर लेकर गए। आप लोग थाने में थे? हम लोग की दो रात वहाँ पर बीती, दो रात हम लोग वहीं पर थे, फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट। यस, और संडे को जब हम लोग को छोड़ा गया, उसके बाद जो है कुछ घंटे बाद हमारा घर के सामने बुलडोज़र आता है और हम लोग को हमारे घर को तोड़ दिया जाता है। बुलडोज़र की कार्रवाई जो हुई है उसके बारे में, मतलब ये जो ज़मीन है इसकी मिल्कियत किसकी है, कौन इसका मालिक है? ये ज़मीन हमारी अम्मी की है, हमारे ग्रैंडफादर ने, नाना ने उनको दिया था गिफ्ट के तौर पर। और आप लोगों के पास इससे जुड़े सारे रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जो गिफ्ट डीड है या जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास है? जी जी, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बकायदा जो वाटर टैक्स और हाउस टैक्स हम लोग पे करते थे वो भी अम्मी के नाम पे आता था, क्योंकि ज़मीन अम्मी की है, घर अम्मी का है, तो सब चीज़ अम्मी के नाम पे होता। इसमें इलीगैलिटी क्या थी जिसके आधार पर कार्रवाई हुई गिराने? ये नोटिस अब्बू के नाम पे आती है, और अब्बू के नाम पे नोटिस लाकर 12 घंटे के अंदर ही अंदर वो नोटिस घर के बाहर लगाते हैं और तोड़ देते हैं। घर अम्मी का था, तो अब्बू के नाम पे नोटिस लाकर कैसे तोड़ रहे हैं, वो अम्मी का घर था वो। दोस्तों, प्रयागराज की परवीन फातिमा यानी सुमैया फातिमा की माता भी एक महिला है, जिनके पति को बिना कारण UAPA लगाकर जेल भेज दिया गया, और जिनका पुश्तैनी मकान यानी जो उनको अपने पिताश्री से मिला था उसको बुलडोजर से ढा दिया गया। क्या किसी महिला का सम्मान इस प्रकार उसे बेघर करके किया जाता है? परंतु जो व्यक्ति खुद अपनी पत्नी को उसका अधिकार न दे, वो दूसरी महिलाओं का सम्मान कैसे कर सकता है? आप देखिए किस प्रकार जसोदा बेन को अपने पासपोर्ट के लिए परेशान होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री की पत्नी का ये हाल है तो आप महिलाओं का क्या हाल होगा, ये आप इस वीडियो में देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदा बेन ने अहमदाबाद के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में एक RTI आवेदन दायर कर मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए जमा किए गए शादी से जुड़े दस्तावेजों का ब्यौरा मांगा है। पिछले साल जशोदा बेन का पासपोर्ट संबंधी आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने ऐसा कोई विवाह प्रमाण पत्र या कोई संयुक्त शपथ पत्र पेश नहीं किया, जिससे साबित होता है कि उनकी मोदी से शादी कभी हुई ही नहीं। इस पृष्ठभूमि में जशोदा बेन ने यह RTI आवेदन डाला है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ZA खान ने कहा, जशोदा बेन बुधवार को कार्यालय आई थी, उन्होंने अपने पासपोर्ट से संबंधित RTI आवेदन दायर किया है, हम समय पर उन्हें जवाब देंगे। जशोदा बेन के भाई अशोक मोदी के अनुसार जशोदा बेन ने शादी से संबंधित उन दस्तावेजों के बारे में जानने के लिए RTI आवेदन डाला जो मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हुए जमा किए थे। खान ने कहा कि जरूरी दस्तावेज न होने के कारण पिछले साल नवम्बर में जशोदा बेन का आवेदन खारिज कर दिया गया था। आपने देखा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने तो अपने एफिडेविट में ये लिख दिया कि उनकी शादी जसोदा बेन से हुई थी, लेकिन पासपोर्ट की अथॉरिटीज उनको पासपोर्ट नहीं दे रही और उनको कोई सबूत नहीं मिल रहा। तो इस तरह से जो है वो गुजरात में और इस देश में महिलाओं का अपमान हो रहा है, लेकिन देश की महिलाएं और न्यायप्रिय जनता इस अपमान का जवाब कैसे देंगी, इसको कैसे रोकेंगी, इस प्रश्न का जवाब भी अमरजीत कौर की इस छोटी सी क्लिप में देखें। क्या जा रहा है, अंग्रेजों की दलाली के बाद आज अमेरिका की दलाली करके हिंदुस्तान को कमजोर किया जा रहा है, और इसलिए अगर हम अंग्रेजों से टक्कर ले सकते थे तो दुनिया के हर साम्राज्य से हम आज टक्कर ले सकते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी
हिटलर अगर पूंजीपतियों का एक घोड़ा था जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया, और अगर आज नरेंद्र मोदी इन कॉरपोरेट घरानों का और दुनिया की वित्त पूंजी का घोड़ा बन के बैठे हुए हैं, तो अहद लेना पड़ेगा। आज के इस मौके के ऊपर अहद लेना पड़ेगा, प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि अपने मुल्क की कसम खाते हैं कि इनके खिलाफ लड़ाई में कोई कसर नहीं हम छोड़ेंगे कुर्सी से हटाने के लिए। हम अच्छे से जानते हैं सबको मिलके चलना पड़ेगा। बहुत सी राजनीतिक पार्टियों को, बहुत सी ताकतों को इन लोगों को कुर्सी से अपदस्त होने के लिए मिलकर के भी लड़ना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों, आपने अमरजीत कौर की इस छोटी सी क्लिप में देखा कि किस तरह से इस तमाम अत्याचार के बावजूद महिलाओं का हौसला जो है वो बुलंद है, और वो जो है वो इस जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। और महिलाएं इस मैदान में अकेली नहीं है, बल्कि इस देश के सारे न्यायप्रिय लोग उनके साथ खड़े हैं, ताकि इस दुनिया से और इस देश से महिलाओं पर होने वाला अत्याचार खत्म हो। और ये जो पाखंड किया जाता है, ये जो मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते हैं, उसके धोखे में जो है वो कोई नहीं आए। तो आज की हमारी समीक्षा इसी पर ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।